नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। थलपति विजय की फिल्म थलपति 67 इन दिनों काफी सुर्खियों में है। एक के बाद एक फिल्म की स्टार कास्ट से पर्दा उठ रहा है, साथ ही उनका लुक भी सामने आ रहा है। फिल्म में संजय दत्त का भी नेगेटिव रोल देखने को मिला। KGF 2 के बाद बतौर विलन उनकी ये दूसरी फिल्म है। थलपति 67 से उनका लुक भी सामने आ गया है, जो कि काफी दमदार नजर आ रहा है। KGF 2 की अपार सफलता के बाद संजय दत्त साउथ सिनेमा के डिमांडिंग एक्टर बन गए हैं। संजू बाबा भी दक्षिण फिल्मों के लिए ना नहीं कर रहे हैं, तभी तो एक के बाद एक उनके हाथ कई फिल्में लग रही हैं। आपको बता दें कि थलपति 67 के लिए संजय दत्त ने काफी मोटी रकम ली है। जी हाँ, संजय दत्त ने इस फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। वह इस फिल्म का हिस्सा बनकर काफी ज्यादा खुश हैं। फिल्म के मेकर्स द्वारा उनका एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, जब मैं थलपति 67 का वन लाइनर सुना, उसी समय मैंने तय कर लिया था कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना है। इस सफर की शुरुआत करते हुए मैं काफी रोमांचित हूँ। फिल्म का टाइटल अभी अनाउंस नहीं किया गया है। फिलहाल थलपति 67 के नाम से ही ये फिल्म चर्चाएं बटोर रही है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन लोकेश कनकराज कर रहे हैं।